दुर्ग नगर निगम की महिला सफाई कर्मचारियों ने थाने में शिकायत कर महिला पार्षद पर मारपीट के गंभीर आरोप लगाए हैं। सफाई कर्मचारियों ने नगर निगम परिसर में सामूहिक विरोध प्रदर्शन किया, साथ ही सफाई कर्मचारियों के स्वाभिमान और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करने की भी मांग की है। राष्ट्रीय मजदूर कांग्रेस इंटक के महासचिव धर्म नागेश ने कहा कि पार्षद प्लेसमेंट सफाई कर्मियों को कि शोषण, वेतन भत्ते, चिकित्सा जैसे गंभीर समस्या पर उनका पक्ष नहीं रखते हैं, लेकिन नौकरशाही का समर्थन और तानाशाही करते हुए सामंती प्रथा की याद दिला रहे हैं। वो कुछ नहीं चाहिए, वो रिक्शा निकाल ले रहे हैं, वो कर घर के साफ सफाई करे हैं, साफ सफाई करके हम वार्ड गए हैं, वार्ड में गए हैं तब वो का करी से अतेक टाइम हो गए वार्ड वाले है ऐसे कहीं बोली से तो नीता जैन घर के साफ सफाई करा था ऐसे कहीं बोले हैं तो वो जाके ना वार्ड वाले है वो बोली से तो वो बोली से तब तो ओकरे पर हरे वो हमारे बीजेपी करा था कह के वो मारे हैं। हम गए हैं काम में नीता जैन सुबह का हाजिरी भी सब है हाजिरी भी तन ओकर बाद में चल गए रहे हमें यहाँ हमारे कुछ गलती नहीं रही थी हम बुला के रटा रट मारी सब है गार्डन में बुला के अब बुला ही सब मैं जानबे नहीं करत रहे हैं काजी बार बुला थी से कहीं मैं गए हैं मारी से और वो देह जाती उती घलो गाड़ी देते वो घर काम कर घर काम पोछा पा सुबह 6 बजे हाजिर दिला के अपन वार्ड चले गए हैं वार्ड से ना कचरा लेते रहे उसके बाद फोन आई से परसदिन के की हार की संभाल अपन घर का और सीधा घर में ले के सीधा परसदिन घर गए ठोकी से मारपीट करी से। मुद्दा ये है कि कल सुबह 7-7:30 बजे की घटना है वार्ड क्रमांक 38 जिसमें कर्मचारियों द्वारा फ़ोन किया गया कि पार्षद महोदया द्वारा उनको घर में बुला के थप्पड़ लगा दिया गया और दुर्व्यवहार किया गया जिसकी पूरी जानकारी हमने ली कि कारण क्या था। तो कर्मचारियों ने बताया कि हम डोर टू डोर कलेक्शन के लिए वार्ड के नागरिकों के पास जाते हैं तो कभी लेट हो जाता है या कभी कभी नहीं जा पाते।